दिया को पता था कि वो कहाँ है, पर उसने नहीं बताया। हम पागलों की तरह उसे एक महीने से ढूंढ रहे। अभी कलच वो इक्लिप्स होने का, हम किधर पे सर्च करें मैन? लास्ट टाइम वो जेनिफर की ग्रेव पे दिखी थी, हमें वहीं से स्टार्ट करना होगा, शायद वहां फिर दिख जाए। पर ये डेंजरस हो ना सकता। तो हम और कुछ कर सकते हैं? कोई और ऑप्शन है हमारे पास? मैं चेंज करके आता हूं, फिर हम चलते हैं। ओके, माय हाफ डीमैन, वो मेरे को हार्म नहीं करेगा। खतरा लेना ही होगा, हमें कुछ भी करके कल ग्रहण के टाइम तक उसे चर्च तक ले जाना होगा। राइट करके बोलता है तू, चल अभी रेडी हो जा। उधर दिया घर से निकल पड़ी थी विनय के घर के लिए। वो बार बार उसे कॉल भी कर रही थी, जो विनय नहीं उठा रहा था। कहाँ हूँ विनय, फोन तो उठाओ, तुम्हारा गुस्सा भी ना, कहीं कुछ गलत मत कर बैठना। विनय को वो रात बहुत याद आ रही थी, जब उसके मना करने पर भी जेनिफर उस जंगल वाले डेविल कॉल में चली गई थी, जहां वो भी उसके पीछे पहुंचा था और विक्टर ने उस पर हमला कर दिया था। आज भी उसके शरीर पर उस ठीक हो चुके घाव का निशान था, जिसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। और मेरी वजह से जेनिफर ने क्या कर डाला, इससे अच्छा तो मैं मर। और अगले ही पल विनय की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, जब सालों पहले भर चुके उस घाव से खून बहने लगा। अरे ये क्या, ये क्या हो रहा है? लगता है वो आ गई, ये उसी का कोई विजन होगा। पर विनय को लगा वो सब लिलियाना का डरावना भ्रम होगा, पर दर्द तो हो रहा था और उसकी शर्ट भी लाल होने लगी थी। विनय घायल हो चुका था और उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसकी तरफ बढ़ती मुसीबत कितनी बड़ी थी। मारियानो, जल्दी करो, हमें यहाँ से चलना होगा, बाहर कुछ अजीब से लोग हैं, हमें घेर लिया है और शायद लिलियाना भी आ चुकी है। पर मारियानो हिला तक नहीं, ऐसा लगा ही नहीं कि उसने विनय की बातें सुनी भी हो। विनय को कुछ खटका। मारियानो, तुम ठीक तो हो ना? तुम सुन रहे हो मारियानो? मारियानो पलटा और उसके उस लाश जैसे सपाट चेहरे को देख विनय और भी डर गया। बस मारियानो का ही तो सहारा था उसे, और मारियानो को क्या हुआ? मारियानो को लगता था कि एक हाफ डीमन होने की वजह से लिलियाना उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मगर उसे नहीं पता था कि इसी वजह से वो उसके दिमाग पर काबू पा सकती है। तभी विनय की मुसीबत और बढ़ गई, वो लोग अंदर आ गए, वो भी हाफ डीमन ही थे जिन्हें लिलियाना चाबी लगे खिलौने से चला रही थी। विनय ने किसी तरह खुद को आजाद किया और उसे याद आया कि मारियानो अपनी जेब में क्रॉस रखता था, पहनता इसलिए नहीं कि क्रॉस का सीधा संपर्क उससे बर्दाश्त नहीं था। विनय ने फुर्ती से मारियानो की जेब से वो चेन निकाली और उसे गले में डाल दी। इस तरह मारियानो से पीछा छूटा, मगर बाकी के हाफ भी मैं विनय पर टूट गए। विनय अकेला सबसे नहीं कर सकता था। घायल विनय किसी तरह उनकी पकड़ से छूट कर भागा। वो किचन में पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। पता नहीं मारियानो का क्या हुआ और ये कठपुतलियां पीछे पड़ गईं। कैसे पीछे छुड़ाऊं इनसे? क्या करूं? हाँ, इससे काम बन जाएगा, पर मारियानो को कैसे बचाऊं? जो भी करना है जल्दी करना होगा, वरना ये लोग तो कभी भी दरवाजा तोड़ देंगे। और विनय ने कुकिंग गैस की नॉब खोल दी। विनय किचन की खिड़की तोड़कर बाहर आ गया था। वो अब मुड़कर अपने घर को देख रहा था, जहां सारे हाफ डीमेंस भी उसके पीछे आने की कोशिश कर रहे थे। बस यही मौका है। I'm sorry, मारियानो। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। विनय ने दिल पे पत्थर रख गन फायर की और उन हाफ डीमेन समेत पूरे घर के पल खच्चे हो गए। विनय जल्दी से अपनी जिप्सी की तरफ बढ़ा। मारियानो, मैं खोना नहीं चाहता था, पर मैं क्या करता? विनय अब चर्च की तरफ जा रहा था,
मारियानो जा चुका था। वो खुद घायल था और अब बस वहीं से मदद की कोई उम्मीद थी। लिलियाना को मारना तो दूर की बात है, उसे फिलहाल खुद को बचाना था। ठीक वही समय था जब दिया भी वहां पहुंची थी। काश विनय ने उसे फोन पर बात कर ली होती तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। दिया को नहीं मालूम था विनय वहां से जा चुका था। नहीं विनय, नहीं। बदहवास सी दिया उस जलते हुए घर की तरफ बढ़ती जा रही थी, पर इसके पहले वो खुद का नुकसान कर लेती किसी ने उसे रोक लिया। उधर विनय बढ़ा जा रहा था चर्च की तरफ। मुख्य सड़क पर ट्रैफिक बहुत था तो वो एक दूसरी सड़क पर आ गया जहां फैली थी एक अप्राकृतिक सी धुंध। और तभी धुंध को चीरती हुई प्रकट हुई लिलियाना अपने उसी शैतानी अवतार में। तो तुम आ गए, चलो ऐसे ही सही, कोई और नहीं, बस तुम और मैं। अगले ही पल दांत पीसते हुए विनय ने एक्सीलेटर पर पैर मारे। वो उसे टक्कर मारना चाहता था पर पूरी फुर्ती से लिलियाना उस पर कूद गई। ऐसा लग रहा था गुस्से में वो भी अपनी बड़ी शक्ति लोगों को डराना भूल गई थी और सीधा हमला कर रही थी। उसका हाथ विंडस्क्रीन तोड़ता हुआ विनय की गर्दन पर आ कसा। खुद को बचाने के लिए विनय ने जिप्सी एक खंबे से बिठा दी। लिलियाना से तो बच गया पर कुछ चोटें उसे और आ गई। वो जल्दी से बाहर निकला पर विनय भाग पाता इसके पहले ही कहीं से आकर कुछ अजनबी लोगों ने उसे पकड़ लिया। एक बार फिर ये हाफ डीमेंस ही थे जो लिलियाना के काबू में थे। तो विनय ने भूल चटा भी दी पर वो घायल था इसलिए उनसे ज्यादा नहीं लग सका। वो गिर गया और लिलियाना उसकी तरफ बढ़ने लगी और गुस्से से बोलती लिलियाना उस पर बैठ गई। विनय को महसूस हुआ शायद ऐसे ही मरना था उसे। कितने खतरनाक अपराधियों से भिड़ने के बाद आज इस तरह मौत होनी थी उसकी। पर इसके पहले वो विनय को नुकसान पहुंचा पाती किसी ने उसे विनय से दूर भेज दिया। और जब विनय ने अपने बचाने वाले को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मारियानो था जो जिंदा था। ब्लडी डेविल, तू ठीक है अभी सन? अब क्या होगा, लिलियाना आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी।